आज के बाद ये अजान नहीं देगा। क्यों? अजान की अदायगी में कोई गलती हुई है मुझसे? तुम अजान की बात कर रहे हो, मैं तो इसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने। ऐसे शैतानी ज़हन रखने वाले शख्स को मस्जिद तो क्या, मोहल्ले में भी रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया आप सबको? ऐसे बात कर, कुछ नहीं किया है मैंने। कुछ नहीं किया तुमने? अरे मियां, तुमने जो कुछ किया वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है। अपने शरीफ माँ बाप की नाक कटवा दी तुमने। हम लोग तो अपने बच्चों को तुम्हारी मिसालें दिया करते थे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि अंदर से तुम्हारा करैक्टर इतना घनौना होगा। अल्लाह माफ करे, हमारी सफों में भी कैसे मुनाफिक और शैतान लोग शामिल हो गए। अल्लाह इनके शर से महफूज रखे हमें। बस कर दें भाई, बस कर दें। क्या क्या बोल रहे हैं मस्जिद में खड़े होकर, जो मुंह में आ रहा है कुछ ख्याल नहीं कर। कौन शैतान है और कौन मुनाफिक, इसका फैसला सिर्फ अल्लाह की जात कर सकती है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी भी मुसलमान पर इसके दरवाजे बंद नहीं हो सकते, और मोमिन को मस्जिद में आने से कोई नहीं रोक सकता। मोमिन तो सिर्फ ये नाम का है, अब हम सब इसके असलियत जान चुके हैं। आप जानते हैं मुझे, ये लोग जो कुछ कह रहे हैं मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। साथ दे दी है सुन्नतों का वक्त है, आप लोग भी अपनी सुन्नतें अदा कीजिए, सुन्नतें अदा कीजिए, नमाज पढ़ो। नवाज अपने गुनाहों को बख्शवाने का बेहतरीन वसीला है।